जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभो पदा जय प्रभो पदा प्रभो पदा जय प्रभो पदा, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद,
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिकाचार अष्टोत्तरस्ते डिवाइन ग्रेस एशी भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार शिव धरोहर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिकाचार अष्टोत्तरस्ते डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णवगण की नामाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तविंद की श्री श्री गौनिताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री श्री सीताराम शरण भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंहागौतम की ताई गौर प्रेमानंद आल ग्लोरी समल डिवोटीज आल ग्लोरी समल डिवोटीज आल ग्लोरी श्री गुरु एन गौराम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम चतुर्दश स्कंध अध्याय 23 श्लोक संख्या 27 इस अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। रूपम भगवता तो एतत् अशेष क्लेश संसर्जम आविष्कृतम न क्लेशनिष्ठानां किम् अन्यता अनुकंपितम् रूपं भगवता ते एतत् अशेष क्लेश संशयम् आविष्कृतम् न क्लिष्टानाम् किम् अन्यम् अनुकंपितम् रूपं भगवता तु एतत् अशेष क्लेश संशयम् आविष्कृतम् न क्लिष्टानाम् किम् अन्यत् अनुकंपितम् रूपं भगवता ते एतत् अशेष क्लेश संशयम् आविष्कृतम् न क्लिष्टानाम् किम् अन्यत् अनुकंपितम् माताजी
रूपम स्वरूप भगवता आप भगवान द्वारा तो लेकिन एतत् यह अशेष अनंत क्लेश कष्ट संशयम भागने के लिए आविष्कृतम प्रकट न हम सबका क्लिष्टानाम भौतिक दशाओं से कष्ट पाने वालों का किम अन्यता क्या कहें अनुकंपितम जिन पर आपकी कृपा रहती है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हे भगवान हम बद्ध जीव देहात बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दीप रूप में अवतार लिया है। यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहित की कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तात्पर्य, जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए कार्य करते हैं। यद्यपि वे असुरों का संहार करते हैं किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ मिलता है। कहा गया है कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर ऊपर से दो बातें चल रही थीं, असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी, किंतु जो परिणाम निकला वह सबों के लिए समान था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह स्वरूप न केवल भक्तों वरन अन्य श्रवों द्वारा अनुभव किए जाने वाले क्लेशों को कम करने के लिए है। आज विकतम न क्लिष्टानाम परिचिताओं ने अपने आप को सात मान्य मनुष्य करके बताया है। किम अतन अनुकंपितम भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान न केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं अपित भक्तों पर भी करते हैं जो अपनी भक्ति के कारण पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है वह अर्चा विग्रह से यह या आचार्य अवतार कहलाता है। यह सुविधा नवदीक्षित भक्तों को दी जाती है जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सकें, अर्चा के रूप में सादर नमस्कार कर सकें तथा यज्ञ कर सकें। ऐसी सुविधाओं से नवदीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना को का आह्वान करते हैं। नवदीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है। फलतः सभी नवदीक्षित को अपने घर अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह रख करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, घर में भी रख करके और मंदिर में भी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग चल रहा है और प्रचेता गण, ये उस समय का प्रसंग है जब प्रचेता गण जो कितने भाई थे, 10 भाई थे और भगवान शिव की कृपा से वो भगवान की आराधना किए, भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो कितने हाथ थे, 4, 8, 10 नहीं थे 8 हाथ थे। ज़्यादातर भगवान जब प्रकट होते हैं तो 4 हाथ दिखाते हैं, सच है नहीं सच है। जब वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए तो कितने हाथ दिखाए थे, 4 हाथ दिखाए थे। और उनके हाथ में क्या रहता है, शंख चक्र गदा और पद्म। वसुदेव देवकी ने जब प्रार्थना की तो वहाँ भगवान कितने हाथ दिखाए, 2 हाथ दिखाए। पहले 4 हाथ दिखा के प्रकट हुए, उसके बाद कितने हाथ दिखाए, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये ओरिजिनल स्वरूप है। कृष्ण हमेशा द्विज रूप में रहते हैं, कितने रूप में रहते हैं, द्विज रूप में, क्योंकि उन्हें द्विज रूप में रहते हैं। लेकिन जब इस धरती पर आते हैं तो समय और परिस्थिति के अनुसार वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। जैसे नरसिंह भगवान का स्वरूप कृष्ण ही दिखाया है ना, दिखाई नहीं दिखाई, कितने हाथ हैं, कितने हाथ है, दिखे हाँ कितने, कोई 10 बोला कोई 8। आप लोग रोज दर्शन करते हो और आज तक हाथ नहीं गिन गए, नमस्ते नरसिंह गाय देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, हाँ 10 है ना। यह भगवान की क्या है, महानता है। कहीं 2 दिखाते हैं, कहीं 10 दिखाते हैं, कहीं 8 दिखाते हैं, कहीं 4 दिखाते हैं। तो नरसिंह भगवान के रूप में उन्होंने 2 हाथ ज़्यादा दिखा दिया 10 दिखा दिया। देखिए यही भगवान की क्या है, लीला है। जो नकली भगवान इस कलयुग में रहते हैं वो 2 हाथ से ज़्यादा दिखा ही नहीं सकते सच ही नहीं सच। इसलिए कोई ये कहे कि मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हो तो आप बोले कि आप 4 भुजा लेके दिखाई, 8 भुजा दिखाइए, 10 भुजा दिखाए, नहीं दिखा पाए तो हम क्या कर सकते, रिजेक्ट कर सकते। इसलिए भगवान का हर अवतार क्या होता है, दिव्य होता है। तो जब भगवान प्रचेता गण के सामने प्रकट हुए तो 8 भुजा दिखाए, अष्ट भुजा, और 4 भुजा में क्या लिए थे, शंख चक्र गदा और पद्म। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का हर हाथ में आयुध होता है। जो पद्म है वो भी आयुध का भी काम कर सकता है, राइट। जब भगवान एक तिनके से ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं तो फूल तो काफ़ी बड़ा होता है। भगवान भगवान होते हैं, ये भगवान प्रभुपाद बताते हैं, हमें ये चीज़ समझना चाहिए। और जो दूसरा जो 4 हाथ में क्या था, कौन बताएगा, सर्प, एक हाथ में सर्प लिए थे, जानते हैं एक हाथ में क्या लिए थे, सर्प, धनुष, बाण और तलवार, निश्चित भगवान लेकर के
वास्तव में सर्प क्यों लिए थे, इसके पीछे भी क्या है, रहस्य है। क्योंकि प्रचेता गण से पहले कौन मिले थे, शंकर जी मिले थे। कौन मिले थे, शंकर जी मिले थे। और शंकर जी हमेशा गले में क्या लपेटे रहते हैं, सांप। और उनके कहने पर ही, शिक्षा प्राप्त करने पर ही प्रचेता गण भगवान कृष्ण का क्या की, आराधना की। तो जब भगवान प्रकट हुए तो थोड़ा सा सर्प लेके पकड़ के लेके आए थे। जानते हैं भगवान ने विश्व रूप में दिखा दिया था, जितने भी देवता देवी देवता हैं जो भी इस संसार में दिखाई देते हैं, सबका उद्गम स्रोत कौन है, मैं हूं। तो प्रचेता गण गलती से शंकर जी को परम भगवान न मान लें, तो भगवान जब आए तो कहा हम सांप भी पकड़ सकते हैं। आप जान लीजिए, क्योंकि सब जो भगवान नन्हे बालक के रूप में थे तो सांप के ऊपर डांस किए थे। अब कोई साधारण सांप नहीं था, कालिया नाग, जिसका दृश्य यहाँ रखा है। तो जब हजार फन पे भगवान डांस कर सकते हैं तो एक सांप को पकड़ना बहुत आसान है उनके लिए, सच है। नहीं, तो इस समझना चाहिए कि भगवान किस तरह से परिष्ठित बस अपना भुजा भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसके पीछे एक रहस्य होता है, भगवान कितने दिमाग लगाते हैं, प्रकट होने में कितना दिमाग लगता है, जिसकी कल्पना हिरण्यकश्यप भी असमंजस पड़ गया था। भगवान का एक रूप उसके कल्पना से परे था, हाँ सोचने वाली बात। इसीलिए भगवान जब खंभा फाड़ कर प्रकट हुए वो घबरा गया, दहशत भी आ गया, क्योंकि ऐसा दृश्य जानवर कभी देखा ही नहीं था, जिसका नर भी हो और सिंह भी हो, नर सिंह का होता है भगवान। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान इस रूप से प्रचेता गण के पास सामने आए, दर्शन दिया और उनको शिक्षा दी और आदेश भी दिया कि तुम लोग जो प्रबलोचा नाम की अप्सरा है नहीं, कंडु ऋषि से जो उत्पन्न कन्या है उससे तुम लोग क्या करो, शादी करो। अब स्त्री एक, अब पुरुष पति कितने बताए, 10, कि तुम दसों को एक ही के साथ क्या करना है, रहना है, अब बच्चे उत्पन्न करने हैं, संतान करना। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि पहले क्या था कि जो पुरुष थे वो हजार हजार पत्नियां रख सकते थे, सच है नहीं सच है, ऐसे भी राजा होते थे लाखों पत्नियां रखते थे, है ना, लेकिन फिर भी पुत्र के लिए तरसते थे, इसी भाग में बताया गया। पहले क्या था, इस कलयुग में तो एक पत्नी रखना ना को चना चबाना है, आसान काम नहीं है। नहीं, तो इसकी नकल आप नहीं कर सकते, है ना, आप भगवान कृष्ण की नकल नहीं कर सकते। उन्होंने कितनी रानियों से शादी की, 16,108 रानियों के साथ शादी की, 16,108 महल बनाए, आपको तो एक भर बनाने में नानी याद आ जाती। भगवान कितने महान है कि 16,108 महल बनाए, हर रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए और सबसे एक ही साथ रहते थे, अलग अलग मुद्राओं में। ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और सुबह भगवान जब अपने दरबार में जाते थे तो 16,108 कृष्ण निकलते थे, हर घर से भगवान जाते थे, लेकिन वहां जाते थे एक हो जाते थे, ऐसा कृष्ण ही कर सकते। तो इसलिए भगवान ने उनको ये आदेश दिया कि तुम लोग जो है उस कन्या से शादी करके और क्या करो, पूर्ण करो। भगवान ने ये भी उनको आशीर्वाद दिया कि 10,00,000 वर्ष तक तुम आनंद को क्या करोगे, भोगोगे। कितनी उम्र दिया उनको, कितना दिया,
दस लाख वर्ष। और ऐसा ये सब वरदान दे करके भगवान जो है तब ये जो प्रचेतागण हैं ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना ही कर रहे हैं। जब भगवान वरदान बढ़िया दे दिए तब प्रचेतागण कहते हैं कि हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्मदी कण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताएं कि देखिए, प्रचेतागण जिन्होंने 12 महाजनों में एक महाजन शंकर जी का दर्शन किया, सोचने वाली बात, फिर भगवान की आराधना करके भगवान का दर्शन किया, इतना दर्शन करने के बाद भी अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं कितना अज्ञानी हूँ और अंधकारों से घिरा हुआ हूँ। और हम क्या सोचते हैं, सोचने वाले सोचिए इस चीज़ को, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, भक्त होता है, वो कितना विनम्र होता है, हमें सीखना चाहिए। हमेशा अपने आप को अज्ञानी समझता रहता है। कहते हैं हमें भौतिक जगत के क्लेश सदैव प्रिय लगते हैं, हर क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए आप इस दीप में अवतार लिया है। किस तरह से वो भगवान से ऐसा करें, तो वही प्रभुपाद जी किस सुंदर ढंग से इसको समझाया है। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे, है ना, और किसके साथ थे, अर्जुन के साथ। देखिए, अर्जुन के दिव्य रथ पर भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान थे और अर्जुन के रथ का जो पताका था वो कौन वहाँ पे बैठे थे, हनुमान जी। हमारे हनुमान जी राइट टाइम पे आए, हनुमान जी दास। जब हनुमान जी की चर्चा हुई हनुमान जी बैठ गए। ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक चमत्कार है। हमारे जीता भी प्रभु यही घटना लिखते हैं, जैसे हनुमान जी का नाम लिया राइट टाइम हनुमान जी क्या है बैठे थे, ये चमत्कार है, प्रभु जी लिख सकते हैं। तो भगवान कब कहाँ कैसे चमत्कार करें, अभी हनुमान दास चाहते तो कभी भी आ सकते थे, लेकिन उसी समय आए जिसमें हनुमान की चर्चा आई। ये चमत्कार, यही तो प्रभु जी चमत्कार लिखते हैं, राइट। और प्रभु जी के साथ तो हमेशा चमत्कार होता रहता है, बिकॉज ही राइट इट। हम लोग इसका केयर नहीं करते, लेकिन ही केयर इट, ये इनकी अच्छाई है। जीतान प्रभु, हम लोग इस घटनाओं को साधारण समझते, लेकिन ये सब साधारण घटनाएं नहीं, चमत्कार होता है। तो इस तरह से, तो वही प्रभुपाद जी हम सबको समझा रहे हैं कि किस तरह से भगवान कितने कृपालु हैं कि लोगों को मरवा भी रहे हैं। मार कौन रहा है, अर्जुन। ओ अर्जुन जो मारना नहीं चाहता था, भगवान का यू हैव टू राइट फॉर यू हैव टू फाइट फॉर राइट। अपने राइट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइट बेटा करना ही पड़ेगा। तो सोच रहा है कि हम सन्यासी बन जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, यू हैव टू फाइट फॉर राइट, और अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, जान लीजिए, नहीं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। और सौ भाई जीने नहीं देना चाहते थे, भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए थे कि हे धृतराष्ट्र राजा, आप मेरे भक्तों को सिर्फ 5 गांव दे दो, ये संतुष्ट रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते। तब भगवान ने कहा कि युद्ध हो के रहा, युद्ध हुआ। तो वही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो है, लोग मर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अपना देश दर्शन दे करके उनका क्या कर रहे हैं, उद्धार भी कर रहे हैं। और साथ साथ भगवान प्रभु दो काम कर रहे थे, जो मारे जा रहे थे मार भी रहे थे, भगवान तार भी रहे थे, और अपने भक्त अर्जुन की सुरक्षा भी
कर रहे थे। इसलिए उस कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग मारे गए सबका भगवान ने क्या कहा, उद्धार किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। भगवान जब भी प्रकट हुए हैं इस धरती पर क्लेश कम हुआ है, क्लेश रहित हो जाता है जब तक भगवान इस धरती पर रहते हैं। जान लीजिए कोई भी युग देखिए, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, क्योंकि इन्हीं युगों में ही भगवान इस धरती पर क्या है, प्रकट हुए हैं। लेकिन इस कलयुग में भी प्रकट हो चुके हैं, किस रूप में, हरिनाम के रूप में, अपने अर्चा विग्रह के रूप में। कि जो नेक्स्ट संज्ञा में प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान हमारी कृपा, हमारा नमस्कार प्रणाम जो हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, पुष्पहार अर्पित करते हैं, जो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, इस सब को स्वीकार करने के लिए इस धरती पर भगवान किस रूप में प्रकट है, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट है। इसलिए भक्तों को अर्चा विग्रह अपने घर में रखना चाहिए या मंदिर में तो होते ही है, हमें अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और जो भगवान हैं उनका क्या करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। इसलिए मंदिर की भी व्यवस्था है। प्रभु स्पष्ट करते हैं तो भगवान कितने कृपालु हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे अर्चा विग्रह के, कौन सा उदाहरण दिया करते थे कौन बताएगा। जब ऐसा प्रसंग आता है, भगवान जमाना अब बदल गया है, पहले किसी को पत्र लिखना होता था, भेजना होता था, तो गली गली में क्या दिखाई देता था, लेटर बॉक्स है ना, या पत्र पेटिका, लेटर बॉक्स को क्या कहते हैं, पत्र पेटिका, और जगह जगह सरकार क्या करती है, खड़ा कर देती है, और हम क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और उसमें डाल देते हैं एड्रेस पता लिख करके, ये चिट्ठी कहाँ पहुँचे, इस पते पर पहुँचनी चाहिए। तो उसमें डाला हुआ पत्र उस पते पर पहुँच जाता था, राइट, कैसे पहुँचता था कि जो लेटर बॉक्स है वो किससे कनेक्टेड, पोस्ट ऑफिस से। प्रभुपाद कितना सुंदर सटीक बना दिया, पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच जाता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी अर्चा विग्रह हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, वैकुंठ लोक में बैठे, गोलोक में बैठे हुए भगवान से क्या सीधा कनेक्ट हैं। हम यहाँ प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम कहाँ पहुँचा है, गोलोक पहुँचता है। ए प्रभुपाद जी से आप प्रणाम करके देखो। और प्रभुपाद जी इसलिए कि जब अर्चा विग्रह स्थापित की जाती है तो उसका क्या करते, उसको क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की वो जो मूर्ति होती है जयपुर से बन करके जब आ जाती है तो वो सिर्फ क्या होती है, मूर्ति होती है, लेकिन मंत्रों के द्वारा, पंडितों के द्वारा जब भगवान को आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, अर्चा विग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्चा विग्रह। जब पहले होता है तो कहीं मूर्ति का आदेश दे दिया कि नहीं, हाँ मूर्ति बन के तैयार है, पांडे को फोन कर दिया, हाँ आपकी मूर्ति तैयार है, अब मूर्ति आ गई गाड़ी से, है ना, लिटा दिया गया मूर्ति, है ना। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है तो उसको हम मूर्ति नहीं होती, क्या होती, अर्चा विग्रह। वैष्णव पद्धति में कहते स्वयं राधा पार्षार्थी हैं, है ना, क्या बोलते हैं, राधा पार्षार्थी हैं, सीता राम चरण हनुमान जी, ये कहा जाता है। इसीलिए जब प्राण प्रतिष्ठित अर्चा विग्रह को प्रभुपाद ने कहा, उसी प्रकार से उनका श्रृंगार करना चाहिए जिस तरह से भगवान का श्रृंगार वहां पर होता है। अब उतना शुद्ध, उतना बढ़िया फूल तो इस धरती पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस धरती पर सबसे अच्छा फूल
होता है उसका हम लाने का प्रयास करते हैं और भगवान को हार बनाकर पहनाने का प्रयास करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि बताया गया कि भगवान को जो भी चीज़ अर्पित करें, वो चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, है ना, वो क्या होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। ये नहीं कि जो 200 रुपये किलो का चावल है वो सेठी खाएगा। अरे जो सेठों के सेठ राधा पारसार्थी जी हैं, उनको तो 400 रुपये वाला चावल खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते ही थे। प्रभुपाद जी इतना भव्य मंदिर क्यों बनाते थे कि जो राजाओं के राजा हैं, जानते हैं धरती पर ऐसे से राजा हैं जो लोग देश विदेश घूमते हैं, कितने बड़े बड़े महलों में रहते हैं। प्रभुपाद चाहते थे उनसे भी बड़ा महल हमारे ठाकुर जी का इस धरती पर होना चाहिए, है ना, कि जो गोलोकवासी हैं अगर धरती पर आते हैं तो वो भी उसी बात में रहना चाहिए। सोचिए इस चीज को, क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बनाते थे, क्योंकि किसका घर है यहाँ पे, कौन रहेंगे, ठाकुर जी रहेंगे। तो ठाकुर जी का घर सबसे ज्यादा भव्य होना चाहिए, कम से कम इंसानों से तो भव्य होना ही चाहिए। तुम एक साधारण इंसान हो करके, चोरी करके, मांसाहार करके, नशा करके, लूट करके दूसरों को, अपना बड़ा महल में रहोगे, ठाकुर जी झोपड़ी में कैसे रहेंगे, सोचने वाली बात। कहते हो तो दरिद्र नारायण के पुजारी हैं, हम लक्ष्मी नारायण के पुजारी हैं, कि भगवान दरिद्र नहीं होते, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। बड़ी सोच है लोगों में, उस सोच को हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का साक्षात दर्शन आप करते हैं, इसलिए जब आप आते हैं तो आपको आनंद क्यों आता है, इसीलिए आनंद आता है कि आप भगवान का दर्शन है। आप पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जो आनंद आपके हमारे इस्कान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने का मिलेगा, जानते हैं, ऐसा भव्य श्रृंगार, आरती, भोग, कीर्तन कहीं नहीं मिलता। इसी दिल्ली में आप बिरला मंदिर चले जाइए, है ना, आरती से में जाइए, आप देखेंगे कि वहां भक्ति नहीं है कीर्तन करने के लिए। वो एक पंडित ऐसे करते रहते हैं, अब बटन दबा देते हैं और अपने आप से बजने लगता है, ऐसा देखा कि नहीं, आजकल हो गया है। आजकल ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं इलेक्ट्रिक की, कि भगवान को असली आरती तो छोड़ दीजिए, अगर बत्ती भी नकली आ गई। एक हम लाइव भीमर के ऑफिस में गए, उनसे बैठ करके बात कर रहा था, तो उसने अपने ऑफिस में छोटा सा मंदिर बना रखा, तो 2-3 स्टिक जो है उसमें लगा हुआ था अगरबत्ती की। मैं बड़ी देर तक बैठा रहा, मतलब उसे कोई खुशबू आ रही है न, वो अगरबत्ती छोटी हो रही है लेकिन जल रही है, धुआं भी नहीं निकल रहा। तो हमने सेठ जी से पूछा, हमका भाई ये कैसी अगरबत्ती है, तो कहे चाइना की अगरबत्ती है, नकली अगरबत्ती। अब आप खुद सोचिए, जो भगवान को असली अगरबत्ती नहीं दिखा सकता, इतना आलसी है, ये सब आलस है। अब कौन अगरबत्ती निकाले, माचिस से जलाए और ऐसे से घुमाए, है ना, अस्थाई मार्केट से खरीद खिला दिया, लगा दिया, प्लग दबा दिया, अगरबत्ती जल रही है, तो भगवान उसके बारे में क्या सोचेंगे। आप खुश कल्पना से परे। और ऐसे लोग कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मृतन का, तेरा तो उसको और पर क्या लागे मेरा, ये सब झूठ। ये क्या है, झूठ है। आप जानते हैं ये आरती कहां से आई, कौन बताएगा, ये जो आरती है ये कहां से आई, कैसे आई, हाँ, स्वामीनाथ से नहीं है, ये जो आरती कौन बताएगा, हाँ,
नहीं, ये जो आरती में कर रहा हूँ, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश, है ना, ऐसे है ना, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण पर क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और जब कोई भक्त कृष्ण प्रिया जैसे भक्त जब किसी सेठ के यहाँ जातेंगे तो जानते सेठ क्या बोलता है, माँ उनको जैसे किसी बड़े आदमी के बंगले में जानते क्या बोलेगा कि आप स्वामी जी बड़ा अच्छा किया, बड़ी कृपा की वहाँ पर, मेरे कुटिया में पधारे, यही झूठ बना है महल बता क्या रहे कुटिया। बोले अब कहा महाभत प्रभु को किस नहीं मालूम कि कुटिया कैसी होती है, महल कैसे होता है, लेकिन झूठ बोले की आदत है। फिर कुछ देर तो पानी नहीं पिलाएगा, फिर क्या बोलेगा, आइए स्वामी जी हम आपको अपना घर दिखाते हैं। अब घर बोल रहा है ना, पहले कुटिया बोला फिर घर बोला, फिर क्या होता है, ये तो मेरा ड्राइंग रूम आप देख ही रहे हैं, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बच्चों का कमरा है, ये मेरा ए है, मेरा ओ, जानते छह प्रकार के स्टीम बाथ, ये बात दुनिया प्रकार कई वैरायटी के बाथरूम भी बनाते हैं, अलग अलग बाथ, स्टीम बाथ ना तो उसमें घुस जाएगा, और वाटर प्रेशर वाला पर तो उनके कई कमरे में कई बल लगे रहते हैं, उससे प्रेशर निकलता पानी से, है ना, जैसे हम लोग चलनी से भगवान को स्नान करते हैं, से कई चलनियाँ छोटी छोटी लगा रखा था, वो बात हम तो देखे कितने बात, रमेश शर्मा के हम लोग देखे थे, कैसे लोग हैं ऐसे प्रकार के बात, है ना। फिर जब हमारा भक्त पूछेगा कि भगवान का कहाँ है, भगवान कहाँ बैठा रखे, तो जो जगह उसके किसी काम की नहीं होती वहां पर छोटा सा मंदिर बना करके रख देता है, जस्ट सेट। अब फिर दो पैसे की अगरबत्ती लेता है, क्या बोलता है, सब कुछ तेरा कुछ मेरा, तो भगवान क्या सोचते कि ये व्यक्ति हमारे भक्त से सामने झूठ बोलता है, कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे बच्चों का है, ये सब है ना, और जब अगरबत्ती दिखाता है कहता सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कितना झूठा आदमी है, कि भक्त के सामने बोलता है कि ये मेरा रूम है, मेरा बेडरूम है ना, ये मेरा ड्राइंग रूम है, मेरा किचन है, ये है सब मेरा, जब मुझे अगरबत्ती दिखाता है कहता है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, छोटी जगह मुझे बैठा रखा है और कहता है सब कुछ तेरा कुछ है, कितना झूठा है। तो ये आरती जानते कहाँ से आई है, हाँ मैं बता दूँ कहाँ से, एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम, और उसको कॉल बुलाया था, पता है हमारे इस्कान के ही शुभचेतन हैं, मैं उनके घर जाता रहता हूँ, मनोज कुमार, मामल कुमार, मनोज कुमार साहब अब बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन जब भी मैं बम्बई जाता हूँ तो हमारा उनका ये वादा है कि जब आप बम्बई आएंगे तो आएंगे, तो मैं जाता हूँ, तो वो बताते हैं कि प्रभु जी किस तरह से हमने अपनी फिल्म में ये लगाई और ये आरती टॉक ऑफ टाउन हो गई, जहाँ देखो हर जगह ये चल रही है। और दूसरी बात, उन्होंने एक और शूट किया था अपना हरे रामा हरे कृष्णा का जो कीर्तन है ना, उसको कह के कीर्तन मंडली जा रहे थे, हमको अच्छा लगा शूट कर लिया और उसको फिल्म डाल दिया उसने। कहने का मतलब है कि किस तरह से ऐसा चलता है, तब भगवान सब जानते हैं, है ना। मैं पुणे में था, वहाँ पे जलाराम बाबा एक हैं, वहाँ मंदिर पहुँच जाइए बस एक पुजारी रहता है, है ना, और इतने घंटा घड़ियाल सब इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, वो आरती करने से पहले मैं पहली बार वहीं देखा था पूना में, वो बटन ऐसे दबा देता था, है ना, और सब अपने आप बजने लगता था, ऐसा पता नहीं कैसा घंटी उंटी सब बजती है, आपने देखा भी होगा ऐसा होता है, और अकेले खड़े खड़े जो है आरती कर, ये आरती हो रही, लेकिन वही आरती आप हमारे इस्कान में जब भक्त आते हैं, पब्लिक आती है, तब कहती भाई इस्कान जैसी संध्या आरती मंगल आरती कहीं नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ भक्त होते हैं, अब भक्त क्या करते हैं, स्वयं कीर्तन करते हैं, आप सुन ये अंतर है, जैसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप चले जाओ मंदिरों में, अभी एक मंदिर इस कान को मिलने वाला है, उस मंदिर में हम लोग गए थे, कृष्णप्रिया आप गए थे राइट, देखिए हनुमान जी लोग एक केले के लिए तरस रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है, बेचारे पता नहीं कब बूंदी उनके मुंह में चिपका दिया है, उसी में लगे, सोचने वाली बात। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, आप चले जाए साकेत में,
कि भगवान को तो जन्माष्टमी दिन को श्रृंगार कर दिया जाता है और कपड़े के प्लास्टिक के हार और चंदन की लकड़ी का हार पहना करके शटर बंद कर दिया जाता है, सांस लेने के लिए मूर्तियां तरस रही। देखा ही नहीं देखा, चल जाए आप चले जाए देखिए ताजा फूल। शास्त्र कहता है कि ठाकुर जी को डेली ताजा फूल और ताजा फल का भोग लगाना चाहिए। यही राम लक्ष्मण, लक्ष्मण कितना गुस्सा हो रहा होगा बंद होकर लगे, अब करे ही तो करे क्या, क्योंकि भक्त जानता नहीं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। बेचारे वो जो ट्रस्टी हैं इतने दुखी हैं पुजारी जी से कि पुजारी शराब पीता है, नशा करता है, चाय पीता है। वो इस्कान को इसलिए देना चाहते हैं कि वो सारे जो ट्रस्टी हैं हमारे इस्कान से जुड़े हैं, लोग मंगल आरती भी आते हैं डेली। एक प्रभु जी हैं राइट जो मेन ट्रस्टी हैं, डेली मंगल आरती हैं। तो हमें गोपाल कृष्ण महाराज सबको ले जा करके दिखाया, इतनी प्राइम लोकेशन पर मंदिर है। तो जो सही भक्त जब इस तरह से देवी देवताओं को भगवान को तरसते हुए दिखता है उसको क्या तकलीफ होती है। किसी तरह से ऐसे पंडितों के चंगुल से इस मंदिर को निकाल करके इस्कान दे देना चाहिए ताकि वहाँ भगवान की अच्छी से पूजा हो। ऐसा इसलिए होता है कि ये स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने रखा, जान लीजिए पूरे दुनिया में आप चले जाइए, लेकिन जो सिंहसिल जब किसी से मिले है ना प्रभुपाद जी से बोलते हैं हमारे जो प्रचारक भक्त हैं उनका कर्तव्य होता है कि आप किसी न किसी को तरह से प्रचार करके उसको कहाँ बुलाओ, मंदिर में लाने का प्रयास करो कि जैसे ही वो मंदिर में आएगा सारा काम कौन करेंगे, ठाकुर जी करेंगे। कि भगवान का एक नाम क्या है, चित चोर। जो भी उनका दर्शन करने के आता है उनका चित्त भगवान क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। बड़ा साइंस इसके पीछे। इसलिए जो भक्त हैं जिनको मंगल आरती आने की एक बार आदत पड़ गई है, किसी कारण से अगर सही पर नहीं पे आएगी तो उनका दिन भर उनको खुद ही अच्छा नहीं लगता। अब कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो किसी कारण से नहीं उठ पाते लेकिन जब उनकी नींद खुलती है आकर के बैठ के जब करना शुरू कर देते, राइट, ऐसा भी होता है, रह ही नहीं पाएगा। इसलिए सुबह की जो साधना है ये बहुत ही आवश्यक है। प्रभुपाद जितना सुंदर सिस्टम दिया, इतना सुंदर क्या किया, सिस्टम दिया है किसके लिए, हमारे लिए। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भगवान का सुंदर मंदिर मिला हुआ है। भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में हमारी प्रार्थना, हमारी जो फरियाद है, प्रणाम, ऑफरिंग सबको स्वीकार करने के तैयार है। और हम ही खुद न आए तो इसमें भगवान की गलती नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सुबह की साधना में आना चाहिए, क्लास में बैठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए और फिर ठाकुर जी की जो सेवा दी गई है उसमें तन्मयता से लग जाना चाहिए। यही सेवा, यही हमारी दिनचर्या है। हमारी दिनचर्या और क्या है, यही दिनचर्या है। तो जिसकी जो सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, उन सेवाओं को हमें क्या करना चाहिए, बड़ी ही तन्मयता के साथ, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ करना चाहिए। और साधना और सिद्धांत भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, साधना और सिद्धांत। अगर हम साधना पे मजबूत रहेंगे और अपने सिद्धांत पे अड़िग रहेंगे तो हमको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी को कोई नहीं हिला सका। प्रभुपाद जब विदेश में गए कितने लोगों ने प्रभुपाद जी कहा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि हम वही बात करेंगे जो शास्त्रों में बताया गया है, हम किसी भी तरह से अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। तो जान लीजिए आप सब भक्तों, हम सब भक्तों को इस चीज़ को समझ, हमारी जो साधना है और जो सिद्धांत है उससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे।
इस पर हम जितना टिके रहेंगे उतने ही भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ही प्रभुपाद जी कंक्लूड करें कि अर्चा वृक्ष पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है, फलतः सभी नव दिशों को अपने घर अथवा मंदिर में अर्चा वृक्ष रख करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए हमारे जितने गृहस्थ भक्त होते हैं, आप जाइए कॉन्ग्रीगेशन चोटी हैं चाहे फुल टाइम भक्त हैं, ये अपने घरों में भी भगवान को क्या करते हैं, रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि घर में उनके बच्चे होते हैं, है ना, प्रसाद, तो इसीलिए रखा जाता है कि घर में भी आप क्या करें, भगवान को बोलें। घर में तीन बार तो अवश्य बोलना चाहिए, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। आप मंदिर तो 6 बार नहीं लगा सकते घर, तो कम से कम 3 बार तो आपको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। और भोग भगवान को क्या अर्पित करके ही खाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो ग्रीमेदी हैं वो ऐसा नहीं करते, वो फ्रिज में फल भरे रहेंगे, उनका दामाद आ गया, फ्रिज खोलेंगे फल काटेंगे और तुरंत खिला देंगे, है ना, ड्राई फ्रूट निकालेंगे खिला देंगे। ठाकुर जी मुंह लटका के देख रहे हैं क्या? उनके सामने चांदी की कटोरी में जानते हैं मिश्री लग करके रख दिए कि आप दिन भर चबाते रहे, फल फूल तो हमारे लिए है, हम मार्केट जो खरीद के लाए हैं फ्रिज रखे हैं आपके लिए नहीं है, हमारे लिए। उल्टा हो रहा है। अब फिर कहते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट स्तर फर्जी। तो भगवान सब जानते हैं, गरम गरम पराठा बनाएंगे खा जाएंगे, अब भोग नहीं लगाएंगे। गाजर खोला बनाएंगे खा जाएंगे, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, कि उनको क्या दे दिया है, मिश्री लाचर का। यह सोच है हमारे यहाँ, यही शिक्षा दिया है। हमारे जितने गृहस्थ भक्त हैं, कांग्रीगेशन ड्यूटीज हैं, आप उनके घरों में जाइए, वो भी देखो आप जाते हो तुरंत भोग लगा करके आपको क्या करते हैं, खिलाते हैं। यही सिस्टम, यही शिक्षा, यही प्रभुपाद चाहते थे। हमें भगवान का आदर करना यह है, और भगवान के अर्चा विज्ञ पर हमें क्या करना चाहिए, विश्वास बहुत जरूरत है। जैसे एक आदमी था, है ना, एक दृष्टांत है छोटा सा, वो जानते क्या करता था, वो वृंदावन से राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति लेके आया और अपने घर के मंदिर में क्या किया, रख दिया। उसके पास बड़ी इच्छाएं थी, वो चाहता था कि हम खूब इनको अगरबत्ती दिखाएंगे, इनका पूजा करेंगे, लेकिन हमारी ये इच्छाएं क्या करना चाहिए, पूरी करनी चाहिए। और रोजाना राधा और कृष्ण को क्या करता था, अगरबत्ती दिखाता था ऐसे। जब उसकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई कुछ महीने के बाद, तो राधा कृष्ण से रूठ गया, वो जा करके दुर्गा जी को ले आया। किसको ले आया? दुर्गा। किसी पंडित बता दिया कि दुर्गा जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, तो अष्टभुजा माता जी को ला करके रख दिया, साथ में ही रखा, उनको थोड़ा सा साइड में करके उनको रख दिया, है ना। फिर अगरबत्ती निकाला और अगरबत्ती, क्योंकि राधा कृष्ण साथ में वो भी हैं, कौन, दुर्गा माता जी। अब दुर्गा की तरफ करके अगरबत्ती दिखा रहा था, उसका माता ठनका और तुरंत क्या किया, दौड़ के गया और रुई लेके आया, कॉटन लेके आया और राधा कृष्ण के नाक में लगा दिया, राधा कृष्ण के नाक में लगा दिया। जानते क्यों लगाया? क्योंकि जो दुर्गा को अगरबत्ती दिखा रहा हो उसकी माँ इनके नाक में लग जाए। जो हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं उसकी जो सुगंध है, महक है, राधा कृष्ण की नाक में जाए, न सूंघ ले, इसलिए रुई लगा दिया, काट लगा दिया, क्योंकि हम किसको दिखा रहे हैं, दुर्गा जी के, इन्होंने मेरी इच्छा नहीं पूरी की। इसी बात पर भगवान क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान किस कारण से प्रसन्न जाए आप सोच नहीं सकते। भगवान इसलिए प्रसन्न हो गए कि देखो कम से कम इसको इतना तो विश्वास है कि मैं सुंघता भी हूं।
इतना बड़ा विश्वास होना कितनी बड़ी बात है, कितना इसको विश्वास है कि मैं शुंगता भी हूं, है ना। ये बहुत बड़ा विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास हो जाए कि भगवान सुनते भी हैं, खाते भी हैं, देखते भी हैं, है ना, तो भगवान तो आपसे प्रसन्न रहेंगे, है ना। आपसे इसे कहते विश्वास, है ना। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए उस भक्त को। एक भक्त नामदेव थे, नामीदेव नाम है ना, जो कि रोटी बना करके और कुटिया से बाहर चले गए कुछ दूसरे कार्य से। जब वो कुटिया के बाहर से वापस आने गए तो एक कुत्ता जो है रोटी लेके भाग रहा था, और नामदेव जी ने क्या किया, दौड़ करके कुटिया में गए, घी कटोरी में घी निकाल करके अब कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे कि प्रभु रुकिए रुकिए, आप कितनी भूख लगी है, यार रोटी में घी तो लगा दें। भक्त नामदेव जानते हैं, जब इतना कहा कुत्ता रुक गया, अब उन्होंने रोटी निकाल के चिपक दिए, भगवान प्रकट होकर खा लिए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं किस तरह से उनका हृदय होता है, और हर में किसको देते हैं, ईश्वर को देखते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब विश्वास होगा। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भी अपनी अर्चा विग्रह को जो है प्रणाम करना चाहिए। भगवान कितने कृपालु हैं कि इस कलयुग में अर्चा विग्रह के रूप में इस धरती पर प्रकट हैं, और हमें उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आज के विज्ञान में भी आविष्कार होते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं अपने आविष्कार के द्वारा वो घर देते हैं जनता को, लेकिन कष्ट नहीं दूर होते। लेकिन भगवान का जो आविष्कार होता है तो वो सब प्रकार के कष्टों को दूर करता है। तो अर्चा विग्रह के रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान का आविष्कार आविष्कृतम, तो आपने आविष्कार किया है, अपना जो रूप प्रकट किया है आपका आविष्कार है। कैसा आविष्कार है, अशेष क्लेश समझे, अशेष क्लेश का मतलब क्लेश होती है बहुत सी वैरायटी, कई प्रकार के क्लेश हैं, तो सब मिला करके जितनी वैरायटी के क्लेश है सब मिला करके संक्षेप का मतलब बिल्कुल समाप्त, जितने प्रकार के क्लेश हैं सबको बिल्कुल समाप्त कर देता है ये आपका आविष्कार, जो आपने अपना रूप कर दिया जब के रूप में। हम लोग जो है क्या है, क्लिष्ट का नाम, हम लोग कष्ट में पड़े हुए, तो आपने हमारे पर इतनी कृपा की, अर्चा विग्रह के रूप में आप जो प्रकट होते हैं कि आपकी इतनी कृपा है, तो ये तरीका है भगवान के दर्शन करने का। रूपा कहते भगवान के दर्शन करते तो इस प्रकार से करो, ये मत समझो कि भगवान की हमारे पर भार डाल रहे हैं या उनकी सेवा करें हम उनकी पूजा करें, बल्कि भगवान ने जो अपना रूप प्रकट किया है हमारे सब प्रकार के क्लेशों से और पूरी तरह से 100% के